सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही थी अरेबिक हरीस, जिसको कहते हैं हरीसा नहीं, अरेबिक हरीस कहते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने गंदम ली थी जिसे मैंने ओवर नाइट भिगो दिया था, और इससे हम लोग हरीस बनाएंगे जो अरेबिक हरीस होती है। एक तो पाकिस्तानी हरीसा होता है ना, वो नहीं, लाहौरी हरीसा या कश्मीरी हरीसा, ये अरेबिक हरीसा है, वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही गंदम हाफ डन हुई तो मैंने इसमें बीफ ऐड कर दिया था, और साथ में बोन्स, और साथ में ये थोड़े से खड़े मसाले, काली मिर्च और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, इसको ऐड कर दिया था। और इसको फिर दोबारा प्रेशर पे लगा दिया था ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। और दूसरी साइड पे देखें, ये हमारी जो एक है ना ज़बरदस्ती की जो पेट बनी हुई है, वो आ गई थी घर में। अभी हाँ ड्राइंग कर रही थी, और ये अभी हाँ की गोद में जो है ना बैठ के देख रही थी, ऐसे जैसे उसको सब समझ आ रहा। और इसे सख्त नींद आई हुई थी। जब इससे नींद आ रही होती है ना, इसी तरह से होता है कि ये घर में आ जाती है, और फिर कभी कि अभी हाँ की गोद में इसको होता है कि अभी हाँ के साथ कहीं लग कर बैठ जाए और सो जाए। और वो देखें, तो देखें ये जो है गंदम और जो बीफ था बोन्स के साथ, मैंने इसको जो सॉफ्ट किया था, गला लिया था। उसके बाद इसका मैंने, जब ये हो गया तो मैंने इसकी पेस्ट बना ली ऐसे। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर देना है, ये देखें, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने इसमें जो है ना तकरीबन 1 कप जो है इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। जब मैं ग्राइंड कर रही थी इसको, तो मैंने साथ साथ ऑलिव ऑयल डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि ये बहुत थिक थी और ऑलिव ऑयल तो डालना ही था मुझे, तो मैंने उसी टाइम इसमें डाल डाल के इसको ग्राइंड कर लिया, ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। जैसे ये रेडी हुआ है, और इसमें ना अब इसको मैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए कुक होने दूँगी, और उसके बाद इसमें बटर ऐड करूँगी, और फिर ये रेडी हो जाएगी। ये अरेबिक हरीस है, इसे अरेबिक हरीस कहते हैं। यमन की हरीस बहुत फेमस है। हरीस एक तो पाकिस्तानी लाहौरी हरीसा होता है, एक कश्मीरी हरीसा होता है। कश्मीरी हरीसा तो चावल का बनता है, और मेरे ख्याल से लाहौरी हरीसा गंदम का ही बनता है। लेकिन ये कि लाहौरी हरीसे में जो है वो पालक डलती है और कबाब बना के भी डाले जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, बस इसको जो है बीफ, मटन, चिकन, इसी में आप इसको पकाते हैं, और ये उसी में गंदम वगैरह पक के, और उसके बाद इसको मतलब बोन्स वगैरह अलग हो जाती हैं, और इसमें मीट ऐड कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको अच्छा सा ग्राइंड करके इसको अच्छा सा कुक कर लिया जाता है। और कोई मसाला वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ऑलिव ऑयल और बटर का यूज़ होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है हरीस बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर बटर डाल दिया था, सर्विंग के टाइम में भी डाल दिया था, और बाउल के अंदर भी डाल दिया था। तो नेक्स्ट रेसिपी जो है वो टॉर्टिला रैप्स किया था, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी और इजी बन जाने वाली है। यहाँ पे जो है ये मैं चिकन रैप्स बना रही थी टॉर्टिलास में। इसके अलावा ये चिकन ब्रेड, चिकन बॉईल करके इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स किया, अंडा मिक्स किया, बेकिंग पाउडर मिक्स किया, नमक, काली मिर्च डाल के अपनी मर्जी के भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको स्लाइस पे पेस्ट करके इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये चिकन ब्रेड जो है हमारी देसी चिकन ब्रेड रेडी हो गई। तो ये देखें, मैंने टॉर्टिला रैप को बीच में से कट किया, चिकन टिक्का जो था मेरे पास पड़ा, चीज़, मायोनीज़, केचप और आइस बर्क लेके अब इसको हम ऐसे रैप करेंगे। तो रैप करने के बाद मैंने इनको जो है तवे पे थोड़ी देर सेक लिया था, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन में कर लें, और ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो देखें, ये अब मस्जिद के बाहर लाइन लगी हुई है, मस्जिद के बाहर इतनी लंबी लाइन है, ये लोग सब इफ्तारी के लिए वेट करें। यहाँ पर जो है इफ्तारी इस तरह से फ्री में दी जाती है, बहुत से लोग होते हैं जो रोज़ इस तरह से इफ्तारी दे रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाएँ और सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।